प्रहलाद जी महाराज के नाती हैं बलि। देवासुर संग्राम में राजा बलि को इंद्र ने मार दिया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया संजीवनी विद्या के द्वारा वो जीवित हुए, स्ट्रांग बनाया, फिर युद्ध करवाया। और जब युद्ध हुआ तो अब की बार राजा बलि ने इंद्र को परास्त कर दिया। और इंद्र को परास्त ही नहीं किया, इंद्र के सिंहासन को छीन लिया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया। इंद्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो इंद्र बन जाओ। देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मनुष्य योनि में व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो वो देवता बन जाता है। और देवता भी जब कोई निंदनीय काम कर बैठता है वहां बैठ के, तो वहां से उसको नीचे खिसका दिया जाता है, बोल जाओ नीचे जाओ, तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। कितने लोगों को सांप लगा, न जाने क्या क्या बन गए। ब्रह्मा जी के अखाड़े की अप्सरा थी, उसे क्या बनना पड़ा, चील बनना पड़ा उसे। कितनी अप्सराएं, कितने देवता सापित होके यहां आते ही रहते हैं। मनुष्य अगर सत्कर्म करे तो देवता बन सकता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम देव अच्छे कर्म करने की बजाय बुरे कर्म करते हैं, तो मनुष्य भी नहीं बनने योग्य रह गए। हमारे कर्म अब मनुष्य बनने के योग्य भी नहीं है। राजा बलि ने स्वर्ग छीन लिया, और जब स्वर्ग छीन लिया तो देवता परेशान हुए। देवता भगवान के पास में गए। देखो, जब जब पृथ्वी माँ को कोई अपनी बात कहनी होती है, ये जो पृथ्वी माँ है ना, ये पृथ्वी माँ जब कहीं इसको जाना होता है तो गौ रूप धारण करके जाती है। इसका मतलब क्या है, गौ माता पृथ्वी माता दोनों एक ही है। जैसे गौ आपका पालन करती है, वैसे पृथ्वी भी आपका पालन करती है। गौ दूध के द्वारा पालन करती है, और पृथ्वी माँ अन्न के द्वारा आपका पालन करती है। ये दोनों मां हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। हर एक सनातनी को एक गौ पालनी चाहिए। जीवन भर गौ पालो, एक पालो, एक की सेवा करो। अभी कुछ समय पूर्व पूज्य गोपाल मणि जी के सानिध्य में हम रामलीला मैदान में आए थे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। भाई हमारे वेद तो स्वीकार कर चुके हैं कि राष्ट्रमाता है गौ माता। गावो विश्वस्य मातरम, पूरी विश्व की माँ। अरे हमारी जो माँ होती है ना, वो 3-4 साल हमें अपने आंचल का दूध पिलाती है, और गौ माता जीवन पर्यंत अपने आंचल का दूध हमको देती है। पृथ्वी माँ हमें जीवन भर अपने आंचल का अन्न प्रदान करती है। तो ये दो माँ हो, मतलब दो नहीं एक ही है, एक नहीं दो ही, जो समझो, गौ माता और पृथ्वी माता। अगर ये हमारा पालन न करें, हम किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते। तो जो हमारा पालन करती है, हम उनका पालन नहीं, उनकी सेवा नहीं कर सकते, देख रेख नहीं कर सकते। और ऊपर से सनातनी होने का झंडा गाड़ते हो। अरे भैया, सिर्फ फेसबुक पे और सोशल साइट पे और वीडियो बनाने से हिंदू नहीं कहलाओगे। तुम सोचते हो कि हम उसी से हिंदू बन जाएंगे? आज बेकार की बातें करते हो, झूठी यार। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे देवताओं के दुख को मिटाने के लिए। और देवताओं के दुख को मिटाने के लिए जब गए राजा बलि के द्वार पर, भगवान ने राजा बलि की बड़ी प्रशंसा करी। क्या चाहिए बताओ? अरे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बड़े, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, बड़ा नाम सुना था आपका, आपके पितामह इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे कि उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को खम्मा फाड़ के प्रकट होना पड़ा।
आपके पिताजी विरोचन इतने बड़े दानी थे, इंद्र ने उनका जवानी मांग ली, मतलब प्राण मांग लिए, तो इंद्र ने अपने प्राण दे दिए। मैं तो उस विरोचन के पुत्र का दर्शन करने आया हूं जिसके पिता इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने दानी थे। देखो शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति कंजूस होता है ना वो भी पापी होता है। कंजूस का संग कर लो तो पाप लगता है तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा। कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो धर्म करो, समय में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है तो भगवान की कथा के लिए समय निकालो, अपने कल्याण के लिए समय निकालो, कभी भी कंजूसी नहीं करो। अच्छाई में कंजूसी मत करो, किसी का परोपकार करने में कंजूसी मत करो, जितना संभव हो सके परोपकार करो, परोपकार करो। बोलो राधे राधे, धीरे ही बोल लो। तो भगवान बोले हम तो ऐसे भाई दानी, और आप भी कम दानी नहीं हो, आप भी खूब दानी हो, हम तो आपकी प्रशंसा सुनकर आए हैं। अरे महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्वजों की कृपा है, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले कोई सेवा नहीं। बोले कुछ तो मांग, बोले कुछ मांगने तो आए ही नहीं। अरे महाराज हमारे द्वार पे आए और हम आपकी कोई सेवा ना करें तो गलत है। बोले अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो। हमने कह रहे थे गृहस्थ आश्रम तब बड़ा है जब गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाए, और गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करे, उनकी वचनों का पालन करे। अरे 3 पग भूमि बहुत, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं हमें सिर्फ इतनी चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, इसे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि बोले लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि राजा कैसा दानी था कि मात्र द्वार पर आए हुए व्यक्ति को 3 पग भूमि दी अतिथि को, ज्यादा ले लो। बोले ज्यादा चाहिए ही नहीं, मांगना उतना ही चाहिए जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा मांगना ही नहीं चाहिए। तो इस समय जरूरत है, आवश्यकता है इतने की, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी सोचने लगे हमने इतने संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखे जितने ये दिख रहे हैं। राजा कह रहा है ज्यादा मांग लो, और ये कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इस भाव से शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, जरा चेक तो करें ये ब्राह्मण आए कहां से हैं। तो नेत्र जब बंद किए तो शुक्राचार्य जी ने देखा ये ब्राह्मण देव तो क्षीर सागर से आए डायरेक्ट, साक्षात नारायण है। अच्छा उद्देश्य को भी जान लिया, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है राजा बलि को छलना, इंद्रासन से च्युत करना, अलग करना। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा ए राजन सुनो, इन्हें 1 पग भूमि भी मत देना, इन्हें 1 पग भूमि भी मत दो। क्यों? बोले आप जानते नहीं हो ये कौन है, कौन है ये, त्रिलोकी नाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। बोलो राधे राधे, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव आज तो आनंद आ गया, क्यों, दुनिया इनके द्वार पे जाके मांगती है और आज ये मेरे द्वार पर आकर मांग रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, ये सबको देने वाले और मेरे द्वार पर मांग रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। अगर आज मैंने इनको नहीं दिया तो ये मेरा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य होगा। मांगिए महाराज, 3 पग भूमि लीजिए, नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले पहले संकल्प करो फिर लेंगे। तो राजा बलि से कहा कि 3 पग भूमि चाहिए। बोले संकल्प करो,
और जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए, कमंडल की टोंटी में। न जल निकले न संकल्प हो। भगवान ने एक तिनका लिया, कुश का आसन था ना, वो आसन में से कुश निकाली और टोंटी में अंदर डाल दी, और जैसे ही अंदर डाली शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः, उनका एक नेत्र समाप्त हो गया। क्यों हो गया? जो व्यक्ति दूसरे को अच्छा काम करने से रोकता है भगवान की दृष्टि में वो दंडनीय अपराधी है। अब कोई ये कहे कि हम नहीं मानते इस बात को, तो मत मानो। किसी को अच्छा काम करने से रोकोगे तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, कोई भी क्यों ना हो। तो शुक्राचार्य जी ने रोका, भगवान ने उन्हें दंड दिया, और जब नापने की बारी आई भूमि, तो दो ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, दो ही पग में सारा ब्रह्मांड। राजा बलि से कहा, तुमने तीन पग भूमि संकल्प किए, दो पग में ही सब गई, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बोले महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा है कि दानी? बोले दानी बड़ा है। बोले हो गया काम? बोले क्या? दो पग में आपने मेरे दान को नापा है, एक पग में इस दानी को नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा।